हर रोज ऐसी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चिड़िया और भूतिया भालू। सुंदरबन जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे और वो जंगल बहुत ही बड़ा था और गंदम की फसल इतनी ज्यादा थी, कभी भी किसी पक्षी को दाना कम नहीं पड़ता था और इसलिए सारे पक्षी एक दूसरे से खूब मिलजुल कर रहते थे क्योंकि ये जंगल इनके लिए बहुत ही सुख था। एक दिन टोनी चिड़िया नदी के पास पानी पीने जाती है और गर्मी इतनी ज्यादा थी वो वहीं काफी देर रुक जाती है और बोलती है, अरे आज तो कितनी गर्मी है और वैसे भी नदी में कितना ठंडा पानी है, क्यों ना मैं नदी में आज नहा लूं। फिर टोनी चिड़िया नदी में नहाने लगती है और वो नदी के पीछे एक भूतिया भालू था जो कि टोनी को देख लेता है और उसे अपने शिकार बनाने की सोचता है, परंतु वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। फिर भूतिया भालू वहीं पर रुक जाता है और अपने आप से बोलता है, अरे भालू तो कितना बुद्धू है, अभी तूने सिर्फ चिड़िया को देखा है और अभी तो उसके साथ कालू भी है और मुझे बहुत ही सारे पक्षी मिल जाएंगे खाने के लिए अगर मैं इसका पीछा करूंगा, क्योंकि इसके साथ बहुत सारे पक्षी होंगे मुझे ऐसा लगता है। चिड़िया अपने आप से वादा करता है, मैं इस टोनी चिड़िया के पीछे जाऊंगा और सभी पक्षी को खा जाऊंगा। टोनी चिड़िया और कालू कौवा नदी से नहाकर निकलते हैं और घोंसले की तरफ जा रहे होते हैं और उन्हीं का पीछा करता है भूतिया भालू। थोड़ी दूर चलकर टोनी चिड़िया को महसूस होता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। भालू, अरे टोनी तुम भी ना नदी में नहाकर ज्यादा ही कूल हो गई हो और इसीलिए तुम मुझे फूल बना रही हो। अरे कालू आज अप्रैल फूल थोड़ी ना है जो मैं तुझे फूल बनाऊंगी, मुझे ऐसा लग रहा है कोई हमारा पीछा कर रहा है। अच्छा ठीक है फिर मैं देखता हूँ। कालू कौवा पीछे देखता है, उन्हें कोई नहीं दिखता। फिर वो जंगल पहुंच जाते हैं। जंगल में इतने सारे पक्षी देखकर भूतिया भालू बहुत ही खुश होता है और बोलता है, वाह यहाँ तो कितने सारे पक्षी हैं, आज तो मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मुझे इतने सारे पक्षी खाने को मिलेंगे। अब तो मुझे बस रात का इंतजार है, जैसे ही रात होगी इन सभी पक्षियों के बच्चे को खा जाऊंगा। अगले दिन रात को भालू भूत टोनी चिड़िया के बच्चे को खा जाता है। सुबह होते ही टोनी अपने बच्चे को ना पाकर बहुत ही चिल्ला चिल्ला कर रोती है। टोनी की आवाज़ सुनकर जंगल के सभी पक्षी इकट्ठे हो जाते हैं और टोनी चिड़िया और उनको अपनी परेशानी बताती है। फिर जंगल के सभी पक्षी टोनी चिड़िया के बच्चे को ढूंढने में लग जाते हैं, परंतु शाम होने वाली होती है, उसका कहीं पता नहीं चलता। कुछ ही देर में रात हो जाती है, कालू कौवे का बच्चा भी उसी रात को गायब हो जाता है। अगले दिन कालू कौवा भी उठता है और अपने बच्चे को घोंसले में ना देखकर बहुत ही रोता है। फिर जंगल में तोते महाराज आते हैं, टोनी और कालू दोनों अपने पानी परेशानी विस्तार से बताते हैं। फिर तोते महाराज कहते हैं, क्या कभी तुम्हें कुछ महसूस हुआ है, किसी पक्षी पर तुम्हें शक है? नहीं तोते महाराज, हमें जंगल में किसी पर भी शक नहीं है, लेकिन एक दिन मैं नदी से नहाकर आ रही थी तब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पीछे कोई आ रहा है, तब मैंने कालू कौवे को भी कहा था लेकिन कालू कौवे ने मेरा मजाक बना दिया। तोते महाराज बोलते हैं, अरे नदी के पास एक भूतिया भालू रहता है जो वहाँ के एक ही जंगल के सिपाही ने संदेश दिया था। तोते महाराज उसने तो हमारे बच्चे को खा लिया होगा। हाँ उसने अवश्य ही खा लिया होगा हमारे बच्चे को। और ये बात जानकर टोनी चिड़िया और कालू कौवा बहुत ही ज्यादा रोते हैं। फिर कालू कहता है, हमें इसका अंत करना होगा वरना उसका डर कहीं हमारे इस प्यारे जंगल को डरावना जंगल न बना दे। हमारे जंगल में कितने सारे गंदम की फसल है और इस जंगल में सभी पक्षियों को रहना बहुत ही आसान है क्योंकि उन्हें दाना लेने कहीं नहीं जाना पड़ता। तोते महाराज कहते हैं, हाँ तुम सही कहते हो, आज हम एक काम करेंगे, जब भालू भूत रात को जंगल में आएगा तब हम उसे एक जाल में फंसा लेंगे और पास वाले जंगल में अब तरबूज तांत्रिक के पास ले जाएंगे और वहीं अपनी तांत्रिक शक्तियों से उस भालू भूतिए खरबूजे की तरह अंत कर देंगे। फिर और काली रात को जंगल में भालू भूतिया आता है। तोते महाराज के प्लान के अनुसार भालू भूतिया जाल में फंस जाता है। फिर उसे तरबूज बाबा तांत्रिक बाबा